ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा। आखिरी बॉल पर काफी नाटकीय मोड़ आए, लेकिन आखिरकार बांग्लादेश ने 3 रनों से जीत दर्ज कर ली। दरअसल मैच में जिम्बाब्वे को आखिरी बॉल पर 5 रनों की जरूरत थी, जिसे वो नहीं बना सकी। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे, मगर यहां अंपायर ने नो बॉल सस्पेंस बढ़ा दिया। बांग्लादेश के विकेटकीपर नूरुल हसन ने आखिरी बॉल पर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ब्लेसिंग मुजरबानी को स्टंप आउट किया, मगर थर्ड अंपायर ने देखा कि विकेट कीपर ने बॉल को स्टंप के आगे से पकड़ा था। ऐसे में आखिरी गेंद को नो बॉल करार दिया। ऐसे में जिम्बाब्वे को 1 रन और मिल गया। इस तरह आखिरी बॉल खेलने के लिए अंपायर ने सभी खिलाड़ियों को मैदान पर वापस बुलाया। इस पर जिम्बाब्वे आखिरी बॉल पर 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन मुजरबानी एक बार ये रन बनाने में फिर असफल रहे। आखिरी ओवर में बांग्लादेश के लिए मुसद्दिक हुसैन ने किया। बांग्लादेश ने दूसरी जीत दर्ज कर पाकिस्तान टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश टीम के 3 मैच 4 पॉइंट्स हो गए। इसके साथ ही वो अपने सुपर 12 के ग्रुप 2 में 2 नंबर पर पहुंच गई है। उसने ग्रुप में शामिल साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि इंडिया अपने 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉपर। मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। इसके बाद टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 31 रनों पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। फिर ओपनर नजमुल हुसैन सातों ने 55 बॉल पर 71 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 7 विकेट पर 150 तक पहुंचाया। सातों के अलावा अफीक हुसैन ने 29 रन बनाए। 151 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 35 रनों पर ही टॉप 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से सीन विलियम्स ने मोर्चा संभाला, लेकिन टीम को आखिर में जीत नहीं दिला सके। उन्होंने 43 बॉल पर 64 रनों की पारी खेली। जिम्बाब्वे ने 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए और 3 रनों से मैच गंवा दिया। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।